सो फाइनली गाइस काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद 1.19 अपडेट भी आ चुका है एंड आज हम लोग काफी सारे उसके मिड ट्राई करने वाले हैं जो कि आज बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आती है लाइक करें बिना मत जाना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी और वीडियो बहुत सारी आने वाली है। एंड आज जो मैं हमें दिखाने वाला हूँ शायद से ही तुमने देखा होगा एंड ये सारे पॉकेट एडिशन में एंड 1.19 में वर्किंग है या फिर नहीं ये तो तुम्हें आगे पता ही चल जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड में। फर्स्ट मिथ के हिसाब से वार्डन जो है वो फायर प्रूफ है, तो यहाँ पर उन्होंने उसे लावा में डाल दिया है लेकिन वो नहीं जल रहा है। एंड सेकंड में फ्लिंट एंड स्टील लगा करके डालते हैं वार्डन को, भाई साहब इसमें भी नहीं जलाइए। सो लास्ट एक और फ्लिंट एंड स्टील जहाँ पर लाइट अप करते हैं वो है सोल सैंड वाला, यहाँ पर भी वार्डन को स्पॉन करते हैं। एंड गाइज ये पूरी तरीके से फायर प्रूफ है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ पर। तो नेक्स्ट मिथ में हम लोग को यहाँ पर स्पाइडर स्पॉन करना है एंड उसके ऊपर फेंकना है स्प्लैश पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी एंड उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कितना वियर्ड एंड काफी तगड़ा लुक देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आग दिख रही होगी एंड सार बाकी पूरे शरीर गायब हो चुका है जो कि बहुत मस्त भी लग रहा है। तो यहाँ पर आ चुके हैं अपने थर्ड मिथ पर। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अगर हम लोग वार्डन को अगर सिंगल ब्लॉक पे चढ़ाएं तो आराम से चढ़ के चला जाता है, लेकिन अगर तुम लोग वहीं पर वाटर में अगर वार्डन को स्पॉन करते हो तो वो नहीं निकल सकता है और तुम लोग आराम से इसको यहीं पे अटका करके उसको आराम से मार भी सकते हो। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ पर। सो नेक्स्ट मिथ में अगर तुम एक फॉक्स को फ्रॉस्ट वॉकर दे सकते हो एंड उसके बाद उसको पानी में कूदाते हो तो वो फ्रॉस्ट वॉकर का एन्चेंटमेंट यूज कर सकता है, लेकिन ये मिथ बस्टर्ड है, उसने नहीं यूज किया। मतलब नीचे आइस जम जानी चाहिए थी लेकिन कुछ नहीं, वो तो और फंस गई है वाटर में, मतलब ये मिथ बस्टर्ड। सो नेक्स्ट मिथ के हिसाब से फ्रॉग जो नया वाला आया है वो कुछ हगता है, तो तुम लोग को देखो यहाँ पर उसने क्या निकाला है पीछे से। यहाँ पर इसका नाम है ओचरा फ्रॉग लाइट जो कि मतलब लग ही नहीं रहा कि वो गू है एंड काफी अच्छी इसमें चमक है, तो ये मिथ भी कंफर्म है। सो इस मिथ के हिसाब से अगर तुम इस डोर को किसी भी डोर को ऊपर से तोड़ते हो तो वो कलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे नीचे से तोड़ते हो नहीं कलेक्ट होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये मिथ भी बस्टेड है। सो नेक्स्ट मिथ है कि अगर तुम स्नो में अपने विदर को स्पॉन करते हो तो वो स्पॉन नहीं होगा, वैसे वो तुम्हारा अपना नहीं है लेकिन हाँ स्पॉन नहीं होगा, तो ट्राई करते हैं। हाँ भाई ये स्पॉन तो नहीं हुआ, लेकिन अगर जो वही चीज़ तुम इसको स्नो थोड़ी बहुत हटा करके फिर एक चीज तोड़ एक सर तोड़ कर फिर से लगाओ तो भाई ये फिर से आ जाता है, ये बहुत बुरा आदमी है। नेक्स्ट मिथ है हमारा कि अगर तुम वार्डन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपने पास बॉटल ऑफ एन्चेंटमेंट रखो, ठीक है, और उसको इधर उधर फेंकने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी सीधा आ रहा है, मैंने इधर फेंका तो इधर आया, मेरे ख्याल से ये जो आवाज की वजह से उसी वजह से, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। एंड इस ट्रिक को तुम बचने के लिए भी वार्डन से ट्राई कर सकते हो, लेकिन डोंट ट्राई एट होम, तुम लोग मेरा हाल देख सकते हो। सो ये कोई मिथ नहीं है, मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से फॉक्स बैठी है, मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में नहीं देखा तो दिखा दिया तुम लोगों को। तो एक और मिथ आ चुका है यहाँ पर। इस मिथ के हिसाब से अगर तुम डॉल्फिन के पास सामान को भी फेंक देते हो तो उसे खेलना चालू कर देती है, लेकिन पॉकेट एडिशन में ऐसा है ही नहीं। मैंने यहाँ पर देख सकते हो डायमंड की लेगिंग्स फेंकी है भाई एंड उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड ये मिथ भी फेंकता है। सो दोस्तों यहाँ पर ये वाला मिथ काफी तगड़ा है, वर्क करता है कि नहीं देखो। ये जो रेनफोर्स्ड डीप स्लेट है इसमें तुम लोग ये जो विदर है इसको तुम लोग फंसा सकते हो, तो यहाँ पर मैंने विदर को स्पॉन कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है पूरी तरीके से कि बाहर ना निकल सके, लेकिन नहीं ये उसने टूटा नहीं है एक भी ब्लॉक लेकिन वो बाहर आ चुकी है, तो ये मिथ बस्टेड है। सो इसी से रिलेटेड एक और मिथ है कि तुम लोग एंडर ड्रैगन को इसमें फंसा सकते हो, लेकिन एंडर ड्रैगन भी नहीं फंसा है यहाँ पर, ये पता नहीं कहाँ पे चला गया है एंड तुम लोग देख सकते हो कि कितना दूर गया, गायब हो चुका है एंडर ड्रैगन यहाँ पर ओवरवर्ल्ड में। भाई सभी कहाँ गए, यहाँ पर उसने जगह बैठने वाला बनाया है एंड थोड़ी देर बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर उसने माइन कर डाला है, पूरा गड्ढा कर डाला है, एकदम नीचे पहुँच चुका है। मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत लगा दिया था कि ब्लॉक कर सकता हूँ लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाया हूँ एंड देखो भाई ये कहीं से भी रास्ता बना रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की, इसका मन किया उड़ चलो, ये देखो पीछे से कहीं से भी गड्ढा खोदा एंड चला गया वापस। एंड थोड़ी देर बाद इस एंडर ड्रैगन को देखो एक ही जगह पे फ्रीज हो चुका है, बस ऊपर उड़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो मैं काफी देर तक उसको ऑब्जर्व करता रहा, बहुत देर तक मैंने इसको इसके साथ चलता रहा, ये काफी ऊपर पहुंच चुका है, तुम लोग नीचे देख सकते हो उड़ते उड़ते सिर्फ और सिर्फ सीधा उड़ता जा रहा है, तो कहाँ तक उड़ेगा ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ एंड ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट मिथ। सो गाइज ये मिथ काफी तगड़ी है, ये वर्क करने वाली, तो यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए कि यहाँ पर चार्ज क्रीपर तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, इस मिथ के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने वेदर यहाँ पर कर दिया है थंडरस्टॉर्म वाला एंड चार्ज इसे कर देते हैं जल्दी से, यहाँ पर मैंने इसे चार्ज कर दिया है एंड अभी इसको थोड़ा सा इसको तोड़ करके इन लोग के बीच में डालते हैं एंड इसको फ्लिंट एंड स्टील से इसको फ्लिंट करते हैं एंड तुम लोग देख सकते हो कितने सारे वेदर स्कैंड हेड मिल चुके हैं, तो ये काफी तगड़ा मिथ है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ये मिथ कन्फर्म है।
सो नए वाले अपडेट में यहाँ पर तुम लोग ये जो पत्तियाँ इसके अंदर वाटर बकेट से वाटर भर सकते हो। तो ये मिथ वर्क भी कर रहा है, काफी तगड़ा लग रहा है। मैंने थोड़ा बहुत इसे करने के बाद देख सकते हो फाउंटेन टाइप का बना डाला है। सो नेक्स्ट मिथ के हिसाब से यहाँ पर तुम्हें 23 काउ एक जगह पे डाल दी है एंड यहाँ पे नेचुरल इलाइट्रा लॉन्चर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत डिग कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने काउ डालना शुरू कर दिया है। अभी तुम लोग गिनना, ठीक है? मैंने यहाँ पे काउ डालना शुरू कर दिया है, 23 काउ डाल दी है एंड यहाँ पर मैं इसमें जंप करता हूँ सर्वाइवल लगा करके। जल्दी से सर्वाइवल लगाते हैं एंड जंप करते हैं, देखते हैं ये हम लोग को लॉन्च करता है। इलाइट्रा मैंने पहन रखा है एंड मैं लॉन्च होने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये मैं तो बस। सो इस मिथ का तुम लोग को तो इंतजार रहा ही होगा। तो यहाँ पर इस मिथ के हिसाब से यहाँ पर एक कोई डिस्क है जो इस वाले पोर्टल को चार्ज कर देती है जो कि एंशियंट सिटी में है। तो मैंने सारी डिस्क ले ली है, इसमें ऐसी कोई नहीं मिली डिस्क जिस पर इसका नाम लिखा हो। तो मैंने सारी डिस्क यूज करके देख ली है लेकिन ये पोर्टल तो नहीं। सो नेक्स्ट मिथ भी यहाँ पर एंशियंट सिटी का है कि यहाँ पर जो गोल्डन एप्पल रखा है इसको खाते ही कोई सीक्रेट रूम खुल जाता है। तो मैंने गोल्डन एप्पल भी उठा लिया है एंड इसको खाते हैं एंड मुझे पहले से सीक्रेट रूम मिल चुका है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह होती है वो जगह नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर सीक्रेट रूम खुल चुका है, इससे खुला या फिर पहले से था मैंने ये नहीं, मुझे ये पता नहीं चला है। या फिर कोई आवाज़ हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन मुझे मिल गया, ये कन्फर्म भी है एंड बस्टेड भी है। तुम लोग बताना ये क्या है। तो दोस्तों मैं आसमान की ऊंचाइयों में जहाँ पे कोहरा ही कोहरा है एंड मैं एंड्रॉइड ड्रैगन को ढूंढने आया था लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर स्नो आ गया, इतना ऊपर आ चुका था कि स्नो आ गया। फिर भाई तुम लोग अभी देख सकते हो मैं कितना ऊपर आ रखा था, अभी मैं नीचे गिरा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर था बट एंड्रॉइड ड्रैगन गायब हो चुका। सो वार्डन की तरह विच भी फायर प्रूफ होती है, ऐसा अभी इस मिथ से मुझे पता चला। यहाँ पर देख सकते हो तुम, इनके पास जो पोशन होता है वो ये लोग पी भी लेते हैं एंड इससे ये लोग फायर में बच जाते हैं। मैं फ्लिंट एंड स्टील लगा रखा है, उससे बच गए एंड मैंने इसे लावा में भी डाल दिया लेकिन इससे भी ये नहीं मरी भाई। ये भी वार्डन जैसी खतरनाक होती जा रही है धीरे धीरे। सो यहाँ पर एक और मिथ आया जिसके हिसाब से हम लोग मड जो है उसके ऊपर स्विम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली तुम्हें स्विम करके दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ पर स्विम कर रहा है, ठीक है, इजी पीजी। एंड देन मैंने मड पे स्विम किया तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर मैं चल रहा था लेकिन मैं स्विम कर सकता हूँ यार। शायद ये जावा में वर्क करता होगा लेकिन ये पॉकेट एडिशन में हम लोग स्विम कर सकते हैं आराम से, मैं मड के ऊपर ही स्विम कर रहा हूँ। सो ये मिथ तुम्हें दिल दहला देने वाला और सच बताने वाला मिथ है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक बेड लगाया और उसके बाद मैंने एक विलेजर स्पॉन किया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने नाइट कर दिया कि विलेजर सो जाए। तो भाई इसको देखो ये आराम से चलता हुआ आ रहा है एंड आराम से गया बेड पे सो गया। लेकिन वही चीज मैंने इसको उठाया एंड मैंने सोने की कोशिश की तो मेरे साथ भाई। तो यहाँ पर अगर तुम किसी भी बैनर को कुछ भी नेम दे दो एंड उसको प्लेस कर दो एंड उसके बाद एक मैप में तुम उसको मैप क्रिएट करो एंड उसमें देखो तो वहाँ पर वो मैप में पॉइंट करेगा वो पॉइंट, लेकिन ऐसा मेरे मैप में तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो यार बेकार है मैं। तो यहाँ पर तुम लोग को पता होगा कि अगर तुम लोग पानी में TNT फोड़ते हो तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है लेकिन मैं इसका नुकसान कर सकता हूँ अगर तुम उसके ऊपर सैंड डाल दो। तो देख सकते हो काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है पानी में भी। देन अगर तुम एक बिना टीम के हुए वुल्फ को अगर ये मारे, मतलब डॉग को मारे अगर वार्डन, तो एक हिट में मर जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसने मारा एक हिट में मर गया। लेकिन मिथ के हिसाब से इसे जो टीम वाला है उसको दो हिट में मरना चाहिए। तो यहाँ पर वार्डन ने उसको चिल्लाया डराया लेकिन वो डरा नहीं एंड भाई साहब उसने मेरे डॉगी को मार दिया एक हिट। सो नेक्स्ट मिथ के हिसाब से तुम लोग अगर रिप्टाइड वाली इंचेंटमेंट अगर तुरंत पानी में रहते हो तो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग पानी में तुरंत गए हो, तुरंत बाहर आए हो, अगर भीगे हुए हो तो भी तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। ऐसा हुआ था लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मिथ एकदम बेकार है भाई। और शायद ये जो वेट वाला मतलब है ये हो सकता है कि बारिश हो रही हो तब का हो या फिर कुछ और। सो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मिथ के हिसाब से तुम अपना खुद का वार्डन स्पॉन नहीं कर सकते हो अगर तुम ये सब चीज़ें लगा लो, जिसे स्पॉनर और जिसे आवाज़ सेंसर वाला, लेकिन तुम उसको नहीं स्पॉन कर पाओगे तो भाई ये मिथ एकदम सही है। एंड उसी के साथ एक और मिथ है कि यहाँ पर अगर तुम धूप में वार्डन को स्पॉन करते हो तो भाई वो छुप जाएगा, डी स्पॉन हो जाएगा गड्ढा खोद के, और तो ये डी स्पॉन या फिर जमीन में घुसने के बजाय वहाँ पे पिक को देखने गया है भाई।
सुअर में ऐसा क्या इसे पसंद है। ऑलराइट गाइस, काफ़ी सारे मैं तुम लोग देख लिए, होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड काफ़ी सारे मैं तुम लोगों को मज़ा आया होगा देखने में। पार्ट टू चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड हाँ पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक, तो जिन्होंने किया कर देना एंड चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और प्रेस कर देना ताकि 3K जल्दी से हो जाए। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।